सूता जब निकलती है या फिर ऊन जैसे कपड़े जब निकलती है पहनने में काफी अच्छा लगता है और पहनने में काफी मजबूत भी लगता है, जिससे आपको काफी गर्व महसूस होती है। जोहार नमस्कार, आप पे ललते ना मुंडा रे टीवी आइन किसिंग नेन ठावरे हिजु कने खरसवार रे नेतार आप पे लल दड़िए नेतार लुंगम को आड़तना को आर लुंगम को चिकन को मिथक पे आप इन देखो पे आखिर नेतार रे आड़तना को नरे चासा बासा बुका जि दड़िए ने लेखा नेतार या एन लेखा व्यस्त तेनरे को आड़तना को आर मुंडा रे तो इने को काजी चालतना को इन हो बसा रे आड़तना को नेतार असुल तेने को नरे को असुल के मारंगवा को आर मारंग जन तायम ते आकरिंग को आकरिंग जन तायम ते पैसा को हिजु आर पैसा हिजु जन ते ओड़ा दुवार को चलावा अपना जो भी ओड़ा रे मेना बुआ इनको चलावा और आखिर वो कुली को आको नेरे कामी तने को नेरे आ नेतारे खसों रे बहुत बड़े पैमाने रे बहुत मरंग एन लेकन जगह रे नेतारे चसा होबा होता ना लगभग नेतारे या एन लेकर चिमन एकड़ लेकर होबा नया जगह 1200 एकड़ लगभग मेना इमिन ठाव रे 6 प्लॉट रे ठाव रे नेतारे खेती होता मेना और अच्छा नेरे तो ये तो आप तो कमी तो पे तो पैसा को तो चीज में ना मार्को वापस तो ना को सरकार वैसे तो ना तो ट्रेनिंग रूप तले मिला लिया अरे 200 के उमल तो ना है 200 के कर दो ना का चीमें नुना उमल लगा थी तो 400 टका मिला 400 रुपये मिला चीमें घंटा पे कमी तो पे नहीं तारे मैंने 7 बजे इतने 12 बजे तक पॉइंट तले नहीं तो 2 बजे मैंने है मैंने 12 बजे लंच में ना नहीं तो 2 बजे इतने और पॉइंट ले 5 बजे तक नहीं 5 बजे छुट्टी ले नेतार आप इमें मेहनत रे पे कमी तेने पे ना लेका निकुए जोगो जतन दो चिलके लगा तीन तेने निकुए जोगो जतन दो अलग ले ले तना ले मार निया दो माने सरकार तना निया दो केंद्रीय रेशम बोर्ड तना निया दो अले सरकार अले पैटी तना ने निया दो अपना पब्लिक गड़ा दो का तना निया दो सरकार तो ना अले ना टर्निंग रूप रे पैटी जल्ले पैटी चल पे एंदो सरकार इमें 200 टका उमा पे तना एंदो चिना आपिया 200 टका रे दिन भर पे कमी तेने पे एंदो अपिया उड़ा दुअर रेन कोई होन गणा को मेना को इनको को आसरा एतना को अपे तो ने 200 टका रे तो पे सुकुत ना पड़ो उदु कले सुकुत रे ओड़ो निया तो मजबूर तेल नम तांदा पाइट तेले ना तो अले तो सरकार रेट तो 400 टका मेना सरकार 400 अच्छा ना लेका अले गोनंग बड़ा वाला पे मिता इरे दो सिना मिता पिए ना तो निया टर्निंग रूप रे तो मने नियम ना के ये तो मेना रोल तो मेना में दो चिमिन दिन ट्रेनिंग पे तैने अपने तार गिरने समय रे माने 15 दिन रे रूल मिना आ नमता रेरी रे 1 महीना रे एंदो आपे तो नया नया दो सरकार ओते जन ना दो नेरे सरकार के खेती को है और नेरे तो ना लेके परमानेंट के अगर वो कामी बु सनंग तो परमानेंट उमा बु एच का उमा बु परमानेंट को तो मिना को मिना को मिना कोई नहीं तो परमानेंट को तरह कुरिटर में छबाओ तना को तो अच्छा एंदो हर एक सप्ताह इनका महीना रे चिमिन साल रे चिमिन बार पे खेती जाए कोने रे पहले तो 3 बार खेती हुआ होता है ना तो माने 2 बार की खेती हुआ होता ना एमेरो 2 बार जब वो खेती हो रहा तो अगर निका पारा को तके चला रहा तो सरकार बहुत फंड बचा होता ना जो कि नरे परमानेंट कमीशन को मिना को और नाले का परमानेंट दे ये कमीशन को अगर पारा ते कमेरी के कोरे दो एडो आया पैसा बचा हुआ सरकार तारे सरकार तो बचा होता ना बचा होता ना यार ना लेका इनको तो को कमी तेने कुछ गाओ कमी तेने कन परमानेंट वाला को कमी तेने को आको कमी तेने को आको कमी के बिना को एन लेका ते आपे पहले लके को नेता रे काफी मेहनत और एन लेकन लगन और 8 घंटा रे टाइम कटाउन तना को और तिसिंग रे तारीख रे पहाड़ते होने सरकार जमीन रे सरकार ओते रे कमी उद्यम को चलाओ तना लेकिन अकवा उड़ा दुअर एन लेका होन गणा को मिना को लेकिन 200 टका है उमा को तने 200 टका उमा के को रे हो आको काको संतुष्ट तने चेची 8 घंटा रे ड्यूटी आरोड़ो लाई रेंगे दा रेंगे इना को तो आप पे इतुन गया पे ये जो आप देख रहे हैं पीछे इतनी बड़ी पैमाने पर खेती किया हुआ है लगभग इसका विस्तार अगर हम घूमेंगे भी तो आधा घंटा का टाइम लग सकता है बहुत बड़े पैमाने पर और ये रेशम बोर्ड यानी कि सरकारी डिपार्टमेंट से खेती होती है यहाँ पे इस तरह से खेती किया जाता है आप ये है रेशम कीट मैं सबको करीब से मैं दिखा देता हूँ आपको कि क्या होता है ये
ये जो आप इसमें देख रहे हैं यही है खासियत, और इसी से यही चीज से ही उन जैसे बड़े बड़े मजबूत नायलॉन की कपड़े या फिर नायलॉन सूतन निकाली जाती है। और यही चीज सबसे बड़ी, जब शुरू में यही खेती यहीं से बड़े बड़े फैक्ट्री में जाके नायलॉन के सूता, नायलॉन की कपड़े या फिर नायलॉन की हर एक ऐसे पदार्थ प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे कड़ी धूप है, लेकिन फिर भी यहाँ मजदूर अपने उस मजदूरी के लिए तनख्वाह के लिए यहाँ ट्रेनिंग दिया गया है 15 दिन के लिए 200 रुपये की तनख्वाह पे। और जो भी इस संस्था से जुड़े हैं या फिर इसे परमानेंट किया गया है उसको 400 रुपया वेतन दिया जाता है। और ये साल में 3 बार खेती की जाती है। लेकिन ये जो यहाँ पे है ये बोला यही है रेशम की कीट, और यही से बढ़ के जब नायलॉन जैसे बड़े पदार्थ उसकी लार्वा से निकलती है, आप सबको पता है कि इसकी लहर से इतनी बड़ी ताकत है कि नायलॉन जैसे पदार्थ को भी उत्पन्न कर सकती है। और यही है खासियत है कि रेशम कीट में, आप सबने सुना होगा रेशम कीट क्या होता है, और यही है सबसे बड़ी खासियत कि नायलॉन जैसी पोलिस्टर जैसे चीज पैदा कर देती है। लेकिन फिलहाल यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर खेती हुई है, आपने देखा इसका। मैं अगर जाऊँ भी या फिर कहीं घूम के भी देखूँ तो 1 घंटा का टाइम लग सकता है, इतनी बड़े पैमाने पर यहाँ खेती हुई है। इतने जो हरियाली या फिर यही लेवल के पेड़ कटे हुए हैं और इस तरह से बनाए गए हैं, इधर तो छटाई हुई है, और ये चीज अगली बार फिर खेती करने के लायक बनेगा। अब यही इसी में बड़े पैमाने पर खेती होती है, आपने सही देखा और सही देख रहे हैं। और यहाँ पे सरकार द्वारा खेती की जाती है यहाँ बड़े पैमाने पर, सरकार की ये उत्पत्ति है या सरकारी जमीन कहें। लेकिन आज इस यहाँ पे भी मजदूर करने वाले काफी धूप मेहनत और अपनी उस लगन को त्याग करके, जब उन जैसे सूता जब निकलती है या फिर उन जैसे कपड़े जब निकलती है, पहनने में काफी अच्छा लगता है और पहनने में काफी मजबूत भी लगता है, जिससे आपको काफी घर महसूस होती है। लेकिन मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो इस जगह आप देख रहे हैं ये रेशम कीट की खेती होती है, लेकिन आपको नहीं लगता है यहाँ रेशम उन इससे निकाली जाती है। लेकिन सच्चाई यही है कि इसी जगह ऐसा ही से रेशम की कीट निकलती है, रेशम जैसे पदार्थ उन की प्राप्ति होती है, जिसे आपको पहनने में काफी गर्व महसूस होती है। और यही है हमारी देश की शान, हमारी धरती की शान, कि हम अपनी कपड़ों को हम खुद बनाए और खुद निकाल के हम पहने और गर्व महसूस करें। यही है इंडिया की सबसे बड़ी शान है कि हम आत्मनिर्भर बने। आपने सही सुना कि हम आत्मनिर्भर बने और अपने लिए खुद कपड़े बुने। गांधी जी ने यहाँ तक कि खुद अपने कपड़े बुन कर पहनते थे। आज उसी का सहारा या फिर उसी से इस इंडिया ने सीखा है कि खुद कपड़े बुनना, खुद कपड़े बना के पहनना। आज मैं वही जगह आया हूँ जैसे पोलिस्टर या फिर नायलॉन जैसे पदार्थ निकलती है, या नायलॉन जैसे सूता इसी से निकलता है, आपने सही देख रहे हैं। यही है रेशम कीट और रेशम पालन ऐसे जगह होता है। ये जो पेड़ या फिर पत्ते खाते हैं रेशम कीट, इसी पत्ते को काट करके जब ख़त्म कर देता है तो ऐसे स्थिति में दूसरा जगह इसको बदल दिया जाता है, दूसरा जगह बदल दिया जाता है और इसको नए ढालियाँ पे ले जाता है, जिससे उसकी उम्र क्षमता बढ़ते जाए या फिर उसकी पौष्टिक आहार मिले। इसके लिए कई सारे छोटे छोटे कीड़ों से बचाने के लिए भी कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सबको ये जानकारी कैसा लगा हमारा मुंडा टीवी चैनल में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जोहार झारखंड।